मैंने कहा ढूंढ ना, या किसी हैकर से अपना मिलवा दे। राइट साइड कैंपस का नाम है साई मैदान, क्योंकि सबसे पहले साई दर्शन नामक फिल्म यहाँ पे फिल्म आई थी, इसलिए कैंपस का नाम दिया साई मैदान। बाद में बहुत सारे कब्रस्तान यहाँ पे बनाया जा रहा है, इसी कब्रस्तान में किसी का शादी हुआ, किसी का मंगनी हुआ। कैलाश का ढाबा राइट साइड देखिए, आज की तारीख में देखेंगे तो चाय पीने का मन नहीं होगा, लेकिन आप ऐसे कोई देखता है सर? देखने के बाद आपको एक ही नहीं होगा, लेकिन आपने फिल्म देखी होगी गंगूबाई काटिया वाट, ये आलिया भट्ट मैडम का घर दिखाया था कामाटीपुरा में, मेन गेट से एंट्री दिखाई थी। प्रोमो टेक्निक का बहुत सारा इस्तेमाल हुआ था। खेलता है सिटी हॉस्पिटल, इसी बिल्डिंग का कॉलेज, बैंक, खासकर दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पूजा करने के लिए, मन्नत मांगने के लिए टप्पू सेना जो गार्डन में खेलता है, और इसी रोड को कहते हैं पाउडर गली, रिक्शा पकड़ने वाले सीन। आपके राइट साइड देखते रहिए, ये पत्र के गैप में से आपको ब्लू कलर में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक दिख जाएगा, राइट साइड दिखने से गेट पत्र के गैप में से बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ब्लू कलर में लिखा है सामने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे होता है ये अगर लगता है सब सुनी। और आपके लेफ्ट साइड यहाँ पे होता है सलमान भाई का बिग बॉस, लेफ्ट साइड आज देखेंगे आप कितने होगा, लेकिन 3 महीने लोग यहाँ पे रहते हैं। अंदर घर पांच दीवारें, पूरा एयर कंडीशन, पूरा सेटअप यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे रहते हैं लेफ्ट साइड बिग बॉस। अच्छा इसके अंदर राइट साइड ओम शांति ओम, राइट साइड देखिए ओम शांति ओम का ये महल यहाँ पे बनाया था, दिखाई थी चलने वाले बहुत सारे सीन दिखाई थे, फिलहाल बातें कुछ आन कहीं से, ये महल बड़ा पक्का बड़ा मजबूत, चल ये खंबे बड़े पक्के बड़े मजबूत, लेकिन 2 आदमी आराम से उठा के ले जाएंगे। ये भी शहर की तरफ जा सकता है, इसी रोड से तीनों दोस्त गोवा गए थे पिकनिक करने के लिए, फिल्म आई थी दिल चाहता है। ये मंदिर, ये जगह अलग अलग रूप देखे, तो यहाँ पे हम उतरेंगे, मंदिर के ऊपर जाना जा सकते हैं, फोटोग्राफी करना कर सकते हैं, दर्शन तो होगा हमें आज। गाने के हिसाब से कलर चेंज करेंगे, मूर्ति चेंज करेंगे, फोटो की दुकान मेरा पूरा सेटअप बना देंगे। असल में सुभाष गाई साहब का ऑफिस है मुक्ता आर्ट्स, लेकिन इसी बिल्डिंग को कॉलेज बनाया, बिल्डिंग कॉलेज बनाया, ससुराल से मई का जाने के लिए 3-4 घंटे लगते हैं, यहाँ पे देखिए 1 मिनट में जाएंगे। आजू बाजू ने पसंद किया, खास करके महिलाओं ने पसंद किया, 16 साल से रिश्ता टिका हुआ है, अदालत के जितने भी सीन देखे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फैमिली कोर्ट, अदालत, आपके लेफ्ट साइड नायक खलनायक और सामने है बाबू भैया की चाल, तेरे को मालूम मेरे बाबा, ये ना फिर तू देखिए लेफ्ट साइड देखिए, यहाँ पे होता है बच्चे सबका शो, कौन बनेगा करोड़पति, लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड देखिए कॉर्नर पे, यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति यहाँ पे चलता है। बाहर से आप देखेंगे आपको इतना मजा नहीं आएगा, आउटडोर आप किसी लोकेशन में देखेंगे तो इतना मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर आप जाएंगे बॉलीवुड थीम पार्क में सेट्स किस तरह के होते हैं, छोड़े के अंदर किस तरह का मंच होता है, लाइव शो, प्रोमो टेक्निक, 70 सिनेमा, ज्यादा समय यहाँ पे हमारा टूर रहेगा।
बॉलीवुड के चाहने वालों को संजय वर्मा का प्यार है नमस्कार। एक आदमी पीछे बैठा हुआ याद दिलाता रहेगा। अर्ज किया है उधार लेके मैंने खर्च किया। वावा, वावा। जिसकी मस्ती जिंदा है वावा, वावा। उसकी हस्ती जिंदा है वावा, वावा। वरना वो आदमी चुप रह के अर्ज किया है वावा, अर्ज किया है उधार लेके मैंने खर्च किया है। वावा, वावा। बुजुर्गों का कहना है वावा, वावा। चिड़िया से अर्ज किया है वावा, वावा। बुजुर्गों का कहना है वावा, वावा। दुनिया में काम करो तो ऐसा करो वावा, वावा। दुनिया में खुद के वावा, वावा। आवाज की दुनिया के दोस्तों संजय वर्मा इंद्र का ब्याह है नमस्कार। यू कैन सर्च मी यूट्यूब संजय वर्मा। बोला अनात्मा सो तू बॉल छे बॉल छे बॉल अने पेला आखो पेले पकड़े छे जो बॉल छे आत्मा अने ले 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 दो साहब एयरपोर्ट आ गया। कोई गए અરે આમાં બી આટલું અમને શૂટિંગ કરવા માટે એટલો કંટાળો આવતો છે મૂવી જોવાનું કેમ મજા આવે અરે પશુ અસલી હોતા તો વીડિયો તો કચ્ચો હોય સબ ગ્રાફિક્સ કે કમાલ એન્ડ ગ્રીન કલર અચ્છા આખા ગ્રીન કપડા પહેરીને એલા ખાલી ખાલી પાછળ કઈ નહીં वैसे फिल्म में और एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसके बिना फिल्म कंप्लीट हो नहीं सकती जिसे हम फॉली साउंड कहते हैं और ये जो बड़े शायद आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा पर इसके जो इफेक्ट है हर फिल्म में हर सीरियल में सुनते हुए एंजॉय करते हैं। सो एक्जैक्टली फॉली साउंड होता क्या है फिल्म में जितनी सारी हरकतें होती है जैसे किसी दरवाजा खोल दिया तो हमें दरवाजा खुलने की आवाज आती है कोई हॉस्पिटल का सीन होता है तो हमें हार्ट बीट करने की भी आवाज आती है यहाँ तक अगर किसी तो सारे फॉली साउंड इस तरह के माइक से रिकॉर्ड किए जाएंगे। यहाँ पे कुछ मैं आपको फिल्म का एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें से फर्स्ट होगा आपने मिशन मंगल मूवी देखा होगा जो अक्षय सर की आई थी जिसमें ज्यादा करके हमें जो आवाज सुनी थी वो है रॉकेट की आवाज ये भी फॉली साउंड है फेक साउंड है उसे भी एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये जो वीडियो देख रहे हो इसे आवाज नहीं है आवाज हम इस माइक से देखिए जिसे हम फॉली साउंड कहते हैं तो किस तरह से फेक आवाज रिकॉर्ड की जाती है फिल्मों में रिकॉर्ड किया जाता है इस बॉटल की मदद से तो किस तरह से फॉली साउंड रिकॉर्ड किया जाता है आइए देखते हैं। हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो हंसता नहीं है तो आपको थोड़ा सीरियस एक्टिंग करनी है राइट सो रोल कैमरा एंड एक्शन कर सलाम है
एक हीरो से पांच लोग स्टेज पे आ रहे हैं, आइए मैडम, आइए आप भी आइए, थोड़ी चेक किया, और जो छींक आती है ना वो लेना नहीं, रोक देना है, अपने आप राजेश खन्ना का चेहरा बनेगा। 1 2 3 स्टार्ट। Thank you.